बहुत जल्द इस दुनिया में आ जाओगे, फिर हम मिलके खूब मस्ती करेंगे, मैं, तुम और तुम्हारे पापा। हम लोग मिलके खूब घूमेंगे, मस्ती करेंगे, बहुत खुश रहेंगे। ये दरवाजा बाहर से किसने लॉक किया? खोलो, कोई है? सुमित, अच्छा वाह पुत्र जी, आप आ गए। जब से शादी की तारीख तय हुई है ना, इसकी तो शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही है। क्या माँ जी, आप भी ना। थैंक यू। होने वाले दामाद जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। आपकी शेरवानी जो लेनी है, चलो अब कल चल के आपकी पसंद की शेरवानी ले लेंगे। जी भाभी। अच्छा भाभी, जो हमने कल शॉपिंग की थी वो सिद्धू को दिखानी है, तो मैं उसे अंदर लेके जाऊं? हाँ हाँ पुत्र, ले जा, क्या जाकर दिखा दे। आते मम्मी। चलो। कितनी खुश है साड़ी साक्षी, सिद्धू जैसा चंगा दामाद मिल रहा है, और की चाहिए। सही गल है। ए, क्या कर रही है तू? मम्मी जी ने देख लिया ना, आफत आ जानी है। खोल दरवाजा। अरे क्या कर रही, ये आ जाएगा। कितना बोलता है ना तू, एक तो इतने दिनों बाद मिला है, प्यार करने के वजह छोड़कर दुनिया भर की बकवास किए जा रहा है। प्यार तो मैं तुझसे इतना करता हूँ ना, और इतना कर सकता हूँ कि तू झेल भी ना पाए। अच्छा, तो क्या करूँ, लाइसेंस नहीं ना पूरी तरह, इसलिए। लाइसेंस चाहिए तुझको? ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरे करीब कभी नहीं आया हो। क्या करूं, थोड़ी शराफत दिखा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली पत्नी को शरीफ सिद्धू पसंद नहीं आएगा।
क्या कर रही हो? कोई देख लेगा यार, प्लीज समझो, कोई देख ले। क्या कर रही हो तुम? तुमने ना मुझे डरा ही दिया था। डरना भी चाहिए, देख रही हूँ तुम्हें कुछ दिनों से, बहुत ज्यादा ही वक्त बिता रहे हो साक्षी के साथ। ओ, जेलस हाँ, और क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। फिर होने वाली पत्नी जो है मेरी, सिर्फ होने वाली, बीवी का धर्म निभाने वाली तो मैं ही हूँ। मैं भी तो सिर्फ तुम्हारा ही गुलाम हूँ। तुमने कहा दूर रहा नहीं जाता, घर आ जाओ, मैं आ गया। तुमने कहा इस घर में रहने के लिए कोई बहाना चाहिए, तुम्हारी ननद से शादी कर लूं, मैं उसके लिए भी मान गया। आखिर प्लान तो पूरा तुम्हारा ही है ना, मैं तो बस इस काया का पुजारी हूं। जैसा तुम कहोगी वैसा करते रहूंगा। अच्छा हुँ? तो ठीक है फिर, अब आ ही गए हो तो इंतजार किस बात का, थोड़ा खुश हमें भी कर दो। चलिए बहू, अरे नाश्ता ले आ। आई मम्मी जी। ये लीजिए माँ जी। अजीत उठा क्या? कहा माँ जी, ये देर रात घर आते हैं और फिर सुबह देरी से उठते हैं और फिर जल्दबाजी करने लग जाते हैं। अरे बेटा उसे बोल गृहस्थी पे ध्यान दे, तुझे घुमा फिरा ऐसे कैसे चलेगा। माँ जी अब तो जानती है ना, ये ऐसे करते हैं जैसे कि ऑफिस का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर है। कुछ कहती हूँ तो फिर कहते कि शिकायत कर रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी कहना छोड़ दिया। इसे कैसे होगा बहू? सत श्री अकाल मम्मी जी। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। और बहू चाय नाश्ता सिद्ध के लिए भी लिया? हाँ जी माँ जी। और पुत्र रात को नींद अच्छे से आई? जी मम्मी जी बढ़िया एकदम, दरअसल बहुत थका हुआ था तो तुरंत ही नींद आ गई। चित्रा जी। अरे सिद्धू, सुना है तुम दोनों आज बहुत शॉपिंग करने वाले हो, तुम और साक्षी? हाँ वीर जी, मैं तो शादी की सारी शॉपिंग आज ही खत्म करने वाली हूँ। ये फिर तो बहू जीत के लिए भी नाश्ता लिया? जी मम्मी जी। सॉरी जी, आपके तो कपड़े खराब हो गए, आप एक काम कीजिए, आप चल के चेंज कर लीजिए। चलिए ठीक है, तुम जाओ चेंज कर लो। जी चल।
ये सब नाटक था ना, जानबूझकर किया ना तुमने ये? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हें हग करने का मन कर रहा था। कभी कभी ना बच्चों वाली हरकत करती हो तुम, कंट्रोल करो थोड़ा। सब बैठे हैं बाहर, उन्हें शक हो गया तो बाहर में जाए सब, मुझे तुमसे गले लगना है बस। अच्छा तो है ये, इसलिए कह रही हूँ प्राची कि हम यही डेकोरेशन करेंगे। चलो ठीक है, करते हैं। यार अनु, अनु यार ये पता नहीं अनु कहाँ रह गई, ऑफिस का बैग भी नहीं दिया अभी तक। हाँ रुको प्राची, मैं बुलाती हूँ। अरे मैं देखता हूँ, रुको। अनु, अनु, अरे सिद्धू तुम मेरे रूम में फ्रेश हो रही हो, मुझे लगा कि अनु है यहाँ पर। अरे जीत पाजी एक्चुअली ना मेरे बाथरूम का नल खराब है, तो भाभी ने कहा आपका बाथरूम इस्तेमाल कर लो, वैसे वो चली गई शायद किचन में होगी। अच्छा चलो कोई ना, तुम आराम से फ्रेश हो और जल्दी आ जाओ। बच गए। भाभी आपको और प्राची को ना मेरी शादी में डांस करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी प्राची को उसके लिए घर जल्दी आना पड़ेगा ना, ताकि प्रैक्टिस कर सके। अरे मेरी सहेली का फोन है, मैं एक मिनट। हेलो अनु, सुनो ना अनु, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पर अभी पिछले हफ्ते तो तुम्हें 20,000 दिए थे, उसका क्या किया तुमने? तुम्हारी ननद इतना खर्चा करवाते, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं हर हफ्ते तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊं सिद्धू? मैं नहीं कमाती हूँ, जीत कमाते हैं। बार बार पैसे मांगूंगी तो 100 सवाल करेंगे। मांगना क्यों है, चोरी कर लो ना, उसके पर्स निकाल लो। क्या क्या कह रहे हो तुम? बीवी का हक होता है हस्बैंड के पैसों पर, तुम्हारी चोरी ना चोरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है? निकाल लो, और जब वो पूछे ना तब कोई बहाना बना देना कुछ दिन बाद। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या बातें हो रही है? अरे कुछ नहीं, वो डांस के लिए गाना डिसाइड कर लेता हम लोग। अच्छा मुझे भी बताओ ना। वो हमने डिसाइड किया है कि कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अरे अनु, रात को मैंने यहाँ पर पैसा रखा था, लेकिन पैसे कहाँ गायब हो गए? तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई घर वाला आपके पर्स में से पैसे चुरा ले गया क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन शायद शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। वैसे भी आपको काम के अलावा और याद क्या रहता है, इसमें भी गलत फहमी हो गई होगी।
बहुत बड़ा रिस्क उठाया मैंने सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए। मुझे मालूम था ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो मेरे लिए। अच्छा तो मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? अनु, अनु कौन है वहां पर? कोई भी तो नहीं। अनु कौन था यहां पर जिससे तुम आशीष की बातें कर रही थी? मैं अपने आप से बात कर रही थी। आप भी ना, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, मैं आपका टिफिन बना देती हूँ। क्या हो गया पाजी? कोई बात है क्या? टेंशन में लग रहे? कुछ नहीं हुआ। पाजी, अगर कुछ बात है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। देखो वैसे तो हम दोस्त हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी रिश्ता जुड़ने वाला है हमारा। आपके घर का सदस्य हूं मैं भी। यार सिद्धू, पिछले कुछ दिनों से ये अन्नू तेरी परजाई कुछ तो है जो मुझसे छुपा रही है। अब पता नहीं वो क्या है, लेकिन जो भी है मेरी आंखों के सामने होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी, मैंने उसे किससे बात करते हुए देखा, और जब मैं वहां पहुंचा तो जो भी वहां था वो वहां पर नहीं था, और जब मैंने उसे पूछा तो उसने बात ही घुमा दी। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं, पता नहीं क्या। आप जो कुछ भी सोच रहे हो ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मतलब? जी, अब आपने बात छेड़ ही दी है तो एक चीज है जो मैं भी जानता हूँ। मैंने परजाई जी को ना एक बंदे से बात करते देखा था बाजार में, एकदम गबरू नौजवान सा था, लेकिन पता नहीं कौन था वो, लेकिन बात कर रही थी परजाई जी उससे। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ राजी, आपको बताना था, लेकिन मैंने सोचा कि आपका घर खराब करूँ आग लगा के, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, हो सकता है वो दोनों कोई दोस्त हो, या फिर क्या बातें कर रहे हो मुझे तो नहीं पता ना। पाजी देखिए, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, अगर कुछ सच्चाई आपके सामने आनी है तो कुछ टर्म में आ जाएगी। आप टेंशन ना लो। चीयर्स। अनु, नाश्ता ले आओ। अब बारी है प्लान के दूसरे भाग की। I love you, Sam. गया तुम्हारा वो नालायक पति? यार उस रात भी उसने अच्छे से बात नहीं करी थी, और अभी भी मैंने उसे देखा। अनु, उसके जाते ही मुझे मैसेज करना, हम मिलकर खूब अच्छा समय बिताएंगे हमेशा की तरह। अनु, अनु क्या हुआ? अजीत इधर आओ। जी बोलिए। क्या ये? जीत, जीत मैं आपको सब बताती हूँ। अब पुत्र, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, है? बहू को क्यों मार रहा है तू? बहू को नहीं, एक आवारा औरत को मार रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसकी करतूत।
जी, मैं आपको सब बता। अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? उस रात भी मैं सही था, तुम उस रात भी किसे मिलने गई थी ना, और जब मैंने पूछा तो तुमने बात ही घुमा दी। जी मेरी बात तो सुनो। चुप, अब तुम मेरी बात सुनो। तो जैसी औरत मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। चल निकल इस घर से, चल। राज जी। चल। इधर चल। मेरी बात तो सुनो। चल चल तू। चुप करो, किसकी बात तो सुनो। माँ चाहे बात कुछ भी हो, अब मैं इस पर दोबारा कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा। इसे अपनी जंगलियां जहां बनानी ना वहां जाके बनाए, लेकिन हमें चांसर जीने दे। जी तुम चलो यहाँ से। जी मुझे समझाने का मौका तो दो। चल यहाँ से। जाने का मौका। चल यहाँ से। ये तुमने ठीक नहीं किया सिद्धू, मेरे से डबल क्रॉस किया। पर क्यों? ओह, इतना गुस्सा ना, घर से बाहर निकाली गई औरत पर शोभा नहीं देता। बहुत ही खुदगर्ज हो तुम, मुझे मेरे घर से निकलवा के खुद वहां शांति से बैठे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ए चुप, धमकी दे रही है मुझे। और सुन, पूरे घर को धोखा तूने दिया है, धोखेबाज तू है। और धोखेबाज को ना धोखा देना कोई गलत बात नहीं होती। समझी ना, जैसे हुए तैसा। सुना है ना तुमने? ये सब मेरे साथ करके तुम्हें क्या मिलेगा? पैसा, प्रॉपर्टी, क्या मिलेगा? कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना पैसा ना प्रॉपर्टी। ये सब मैं सिर्फ खुद के लिए करता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जाने दे, तुझ जैसी बेवकूफ औरत ये सब समझ नहीं सकती कभी। और अगली बार ना मेरे आसपास कभी भटकना मत। तेरा पति ना देखो धोखा देड़ी के केस में अंदर करवाने वाला था, मेरे बोलने पे रुक गया है वो। समझेगी ना बात? चल रखा। हेलो सिद्धू। जाने मन तेरे प्यार में क्या क्या छोड़ना पड़ रहा है, सारे पुराने रिश्तों को तोड़ना पड़ रहा है। शायर बन गया मैं तो। दादी को चाय दी? हाँ, अभी उनके कमरे में ही रख के आ रही हूँ। बैठो। विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाभी ऐसी हरकतें कर रही थी। अब होनी को कौन टाल सकता है, जो कुछ होना था सो हो गया। अच्छा सुनो, मैं ना बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। शाम को शॉपिंग पे चलते हैं शादी की। ओके। एक मिनट। ये कौन है और इनकी तस्वीर तुम्हारे वॉलेट में? ये मेरी भाभी थी। थी? अब कहाँ है? एक साल पहले इनकी डेथ हो गई। कैसे? मेरा भाई बहुत ही बेकार आदमी था, मेरी भाभी बेचारी प्रेग्नेंट थी और मेरे भाई के लापरवाही की वजह से की जान चली गई। मेरे भाई ने गैस ऑन छोड़ दिया रूम में और सब कुछ खत्म हो गया। I'm so sorry. यार तुम क्यों सॉरी फील कर रही हो? सॉरी तो मेरे भाई को फील करना चाहिए था। सच कह रहा हूँ, जब पुलिस उसे ले जा रही थी ना, मैं सिर्फ एक ही चीज की प्रार्थना कर रहा था,
कि जैसे तड़प के मेरी भाभी मरी है ना, उससे ज्यादा मेरे भाई को तड़पना होगा। बस तुमने भी ना मुझे पुरानी बातें याद दिला। अच्छा मैं लाल चौक जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, शाम को शॉपिंग भी चलेंगे। हाँ। बाय। बस यूं ही दिल किया तुमसे मिलने का, तो आ गया यहाँ पर। मैं तुझसे प्यार करती थी, तुझे अपने घर लाने वाली थी, और तूने मेरे खिलाफ ही साजिश रच ली। वो क्या है ना, मेरी लाइफ की एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं रिश्तों से बहुत जल्दी बोर हो जाता, और जिनसे मैं बोर होता हूँ मैं उनको अपने गले में बांध के नहीं फिरता, चबाकर फेंक देता हूँ। तुम्हारे साथ भी यही किया मैंने। अच्छा तुम बताओ मुझे, अगर मेरी लाइफ में कोई नई चीज आ रही है, मैं उसके मजे लूँ ना, मैं क्यों तुम्हारे साथ पकता रहूँ? इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, सबको जाके बता दूंगी तू चीज क्या है। अच्छा है, मेहमानों के लिए गिफ्ट और मिठाइयां सब पैक करा दी है। पुत्र भूल जा सब कुछ, बहन की शादी है, खुश रह। चलिए आप मुझे मेहमानों के लिए दीजिए, मैं देखूं कुछ मिस तो नहीं हो गया। पुलिस? अनु कपूर यही रहती हैं? जी सर, वो मेरी बीवी हैं। बताइए क्या हुआ? जी हमें उनकी बॉडी लाल चौक के एक बंद मकान से मिली है आज। वहां के लोगों ने हमें फोन किया था। क्या हुआ? वही पता करने हम आए हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया था, क्योंकि शरीर पर कोई भी चोट या मारपीट के निशान नहीं मिले। वैसे अपने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया,
रिपोर्ट आदि आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपकी पत्नी की डेथ हो गई और आपको पता ही नहीं था, ऐसा क्यों? सर दरअसल मैंने उसे 2 दिन पहले ही घर से निकाल दिया था। घर से निकाल दिया, जान सकता हूँ क्यों? सर दरअसल उसका चाल चलन ठीक नहीं था और मैंने उसके फोन में कुछ मैसेज भी देखे थे और सर मैंने उसे किसी और के साथ भी देखा था। सर हो सकता है कि भाभी जी घर से बाहर निकाले जाने का सदमा झेल ना पाई हो और इसलिए उनको अटैक आ गया। सर जब से प्राची ने उनको घर से बाहर निकाला है ना, हमने किसी ने भी उनसे बात नहीं की। सर इन 2 दिनों में उनके साथ क्या हुआ ये सब हमें कैसे पता होगा? ठीक है, फिलहाल तो हम चलते हैं, जैसी रिपोर्ट आएगी आपसे फिर से बात करेंगे। संभालो अपने आपको। मैं आपको सब बता। अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? तुम उस रात भी किसी मिलने गई थी ना? जी मेरी बात तो सुनो। चुप। जी हमें उनकी बॉडी लाल चौक के एक बंद मकान से मिली है आज। अच्छा मैं लाल चौक जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है। सिद्धू कपड़े ले जा रहे हो धुलवाने के लिए? हाँ ओके ले जाओ। नाइट्रोजन गैस सिलेंडर? पर ये सिद्धू ने क्यों खरीदा? हेलो एस्त्री कंपनी। हाँ एक्चुअली मुझे आपके एम्प्लॉई सिद्धू सिंह का एड्रेस चाहिए था। नहीं दरअसल मुझे ना उनका आईडी कार्ड सड़क पे पड़ा हुआ मिला, अगर आप मुझे उनका एड्रेस दे देते हो तो मैं कुरियर करवा दूंगी। और हाँ उनका नंबर भी दे देना, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ ओके ओके थैंक यू। एड्रेस तो यही का दिया था पर ताला लगा हुआ है। एक्सक्यूज मी बहन जी एक मिनट। क्या ये औरत यहीं पे रहती थी? हाँ ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी और आप? मैं इसकी पड़ोसन। बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। क्या हुआ? 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, अचानक से एक दिन घर में मरी पड़ी मिली।
किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ, कोई माने या ना माने, मुझे तो लगता है इसका पति ही खूनी था। वरना अपनी पत्नी के मरने के एक हफ्ते बाद कोई दूसरी औरत लाने लगता है क्या? एक मिनट, हाँ क्या ये भी यहीं पे रहते थे? यही तो है उसका पति। क्या ये औरत भी यहाँ पे आती थी? यही औरत तो आती थी उसकी पत्नी के मरने के बाद। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि उसके पति ने ही कुछ किया है, लेकिन जब सबूत ही ना मिले तो कोई क्या कर सकता है। पुलिस तो बोली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक आया है। भली चंगी तो थी, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, मुझे तो दाल में कुछ काला ही लग रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। गैस सिलेंडर का बिल। सिद्धू कपड़े ले जा रहे हूँ धुलवाने के लिए। हाँ ओके ले जाओ। मम्मी, वीर जी, अरे घर पे कोई नहीं है। मम्मी, अरे यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये सब किसने बंद किया? मैंने। तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा घर पे कोई नहीं है। सही लगा तुम्हें, कोई नहीं है घर पे सिवाय हम दोनों के। मैंने सबको कुछ काम से बाहर भेज दिया। क्यों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या बात? तुम मेरे घर गई थी? नहीं, ऑफिस से मुझे कॉल आया था कि कोई लड़की ने फोन किया और मेरे घर का एड्रेस मांग लिया, तो मुझे डाउट हुआ कि शायद तुम ही होगी वो। अरे अच्छी बात है अगर तुम हो तो, डर क्यों रही हो? हमारी शादी होने वाली है, शादी से पहले जांच पड़ताल करना अच्छी बात है, उसमें क्या है? अच्छा कुछ लाया हो मैंने तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारे लिए। ये क्या है? हमारी शादी करीब में, अब तुम पार्लर जाओगी तैयार होने। जाओगी ना बटरफेस, खूबसूरत लगना है शादी के दिन यार, है ना? मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। ये ना वेदा, इसमें से भाप निकली, उस भाप से चेहरा एकदम ऐसा खिल उठता है। हेलो, कितना इजी है। तुम्हें बस इतना करना है ना कि इसके भाप को ऐसा नाक से इनहेल करना। मुझे ये सब नहीं करना सिद्धू, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? पागल दिखता हूं मैं तुम्हें? पागल समझ रखा है मुझे? पागल ही तो हो तुम, इतना खून करते फिर रहे हो। पागल नहीं हूं मैं, बस शौकीन आदमी हूं। अब बहुत जल्दी लाइफ में बोर हो जाता हूं यार, उसमें क्या करूं मैं? अब मेरी गलती नहीं है ना यार, इसने मार दिया उन्हें। अब तुम बताओ, हर किसी को हक है ना अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का। बस जीने का हक है, किसी को मारने का नहीं। मुझे मुझे सब पता चल गया। वो औरत तुम्हारी पत्नी थी, तुमने उसे मारा।
मेरी मेरी भाभी को भी, मेरी भाभी को भी तुमने मारा। मैं सब बताऊंगी, मैं अपने भैया को सब बताऊंगी, फिर हम सब तुम्हें पुलिस में दे देंगे। सबको तो तब बताओगी ना जब तुम यहाँ से बच के बाहर जाओगी। क्या कर रहे हो तुम? जानती हो ये क्या है? नाइट्रोजन गैस। ये जब इंसान के बदन के अंदर जाता है ना, जान खत्म। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता। तुमसे पहले भी दोनों को ऐसे ही मारता इससे, और आज तुम्हारी बात। हेलो भैया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस को भी लेके आना। साक्षी, भैया भैया सब इसी ने किया है। ये लक्ष्मी है, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, अचानक से एक दिन घर में मरी पड़ी मिली। क्या ये भी यहीं पे रहते थे? यही तो है उसका पति। क्या ये औरत भी यहाँ पे आती थी? यही औरत तो आती थी उसकी पत्नी के मरने के बाद, और भाभी का फिर भी इसी के साथ था। इसने हमारी भाभी को भी मार डाला। कमीने,